विधायक रामेश्वर शर्मा ने बंटाधार और नक्सलवादी शब्द को असंसदीय शब्दों से बहाल करने की विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष ने लगभग 1100 शब्दों और वाक्यांशों की एक पुस्तक सभी सदस्यों को दी है और कहा है कि इन शब्दों का प्रयोग अब सदन में नहीं होगा, मगर कुछ शब्दों पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति ली है। विशेष तौर पर बंटाधार शब्द को बहाल करने का निवेदन विधानसभा अध्यक्ष से किया है, साथ ही नक्सलवाद शब्द को भी विधानसभा से बहाल करने का निवेदन किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को कुछ असंसदीय शब्दों को चिन्हित करके हमने कहा है कि बंटाधार और नक्सलवादी जैसे शब्दों को असंसदीय शब्दों से बहाल किया जाए। शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की 10 साल की मेहनत और परिश्रम के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें बंटाधार शब्द से नवाजा है। इस शब्द को अगर हम छीन लेंगे तो दिग्विजय सिंह सरकार की उपलब्धि ही खत्म हो जाएगी, फिर मध्य प्रदेश उस सरकार की उपलब्धि बताएगा क्या। शर्मा ने इसलिए आपत्ति ली है कि बंटाधार शब्द को असंसदीय ना बनाया जाए। विधायक रामेश्वर शर्मा ने नक्सलवाद पर कहा कि एक लड़ाई पूरा भारत लड़ रहा है नक्सलवाद से, छत्तीसगढ़ इसका प्रत्यक्ष दर्शी है, हमारे मध्य प्रदेश के भी कई जिले इससे लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई सैनिक नक्सलवाद की घटना के कारण वीर गति को प्राप्त हुए हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि हम 4-5 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र देकर निवेदन किया है कि एक बार असंसदीय शब्दों और वाक्यांशों की पुस्तक पर पुनः विचार किया जाए। सुनिए क्या कहा है विधायक रामेश्वर शर्मा ने। मैंने मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष महोदय को कुछ है जो असंसदीय शब्द वाली जो एक पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें से कुछ शब्दों को चिन्हित करके कहा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी का 10 साल की मेहनत परिश्रम के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें बंटाधार शब्द से नवाजा था, और इस शब्द को अगर हम छीन लेंगे तो दिग्विजय सिंह सरकार की उपलब्धि खत्म हो जाएगी, फिर मध्य प्रदेश उस सरकार की उपलब्धि बताएगा क्या। और इसलिए मैंने आपत्ति व्यक्त की है कि ये बंटाधार शब्द असंसदीय ना बनाया जाए। एक लड़ाई पूरा भारत लड़ रहा नक्सलवाद से, पूरा छत्तीसगढ़ इसका प्रत्यक्षदर्शी है, हमारे मध्य प्रदेश के भी कई जिले इससे लगे हुए हैं, बिहार झारखंड भी इस युद्ध में सम्मिलित है, भारत के अर्धसैनिक बल, भारत के सैनिक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अनेक सैनिक इसमें नक्सलवादी की घटना के कारण वो हम वीरगति को प्राप्त हुए, भारत के मान सम्मान प्रदेशों की जनता की जान की सुरक्षा के लिए उन्हें प्राण दिए, नक्सलवाद जैसा शब्द भी इसमें असंसदीय लिखा है। तो मैंने आज माननीय अध्यक्ष महोदय को पत्र देकर और भी 4-5 विधायकों ने उसमें दस्तखत करके हमने पत्र दिया है और अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की है कि एक बार इस पूरी पुस्तक पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि लोक व्यवहार, लोक वचन और लोक चरित्र को अगर हम असंसदीय कर देंगे तो जन भावनाएं कहां से प्रकट होंगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।